नर्स बोली, आपने बधाई नहीं दी, जिससे डॉक्टर साहब चिढ़ गए। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। मेड़ता सीएचसी के एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में अस्पताल में डिलीवरी के लिए बधाई के रूप में रिश्वत की डिमांड की जा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टर और नर्स दोनों का अलग अलग नेक दिए जाने की भी बात सामने आ रही है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद डॉक्टर को रिलीव कर दिया गया है, साथ ही जीएनएम को एपीओ कर दिया गया। वीडियो में एक प्रसूता का परिजन नर्स से बात करता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसमें नर्स कह रही है कि आपने बधाई नहीं दी, जिससे डॉक्टर साहब चिढ़ गए। वीडियो में बकायदा प्रसूता का परिजन हाथ में पैसे गिनते हुए दिखाई दे रहा है। अगले ही वीडियो में कुछ पैसे नर्स के हाथ में दिख रहे हैं। वीडियो से तो यही पता चल रहा है कि किसी की डिलीवरी होने के बाद नर्स एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के अलावा अपनी बधाई अलग से मांग रही है, और इस बधाई के रूप में 1100 रुपए की डिमांड करती हुई नजर आ रही है। वहीं सामने आए एक अन्य वीडियो में संबंधित डॉक्टर और मरीज के बीच भी पैसे की बात चल रही है। इस वीडियो में डॉक्टर कह रहा है कि भाई आप देते हो तो दे दो, जबरदस्ती तो नहीं है। रात को 12 बजे कौन सा डॉक्टर आता है, प्राइवेट अस्पताल में 25,000 से 30,000 रुपए भी तो लगते ही है ना। वीडियो सामने आने के बाद विभाग की ओर से दोनों पर कार्यवाही। इस मामले में बीसीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर से बात की और उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में वीडियो सामने आया है। सीएमएचओ नागौर ने वीडियो के आधार पर जांच कमेटी बनाई है। वीडियो को देखते हुए हमने संबंधित डॉक्टर को रिलीव कर दिया है, साथ ही जीएनएम को एपीओ कर दिया है। जानिए वीडियो में किस तरह हुई नर्स और प्रसूता के परिजन के बीच बात। प्रसूता का परिजन वो नर्स से प्रसूता के ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है। नर्स कहती है, आपको बधाई के लिए बोला है, आपने दी नहीं, डॉक्टर साहब चिढ़ गए। प्रसूता का परिजन कहता है, डॉक्टर साहब से बात कर ली है, उन्होंने कहा भले आप कल दे देना। नर्स ने कहा, मेरे को तो दे दो अभी, डॉक्टर साहब को तो कल दे देना। प्रसूता का परिजन बोलता है, कितने देने हैं अभी। नर्स कहती है, 1100 रुपए। प्रसूता का परिजन कहता है, डॉक्टर साहब ने 500 रुपए का बोला है। नर्स कहती है, 1100 दे दो, वैसे हम बधाई के 2100 रुपए लेते हैं। नर्स ने 500 रुपए लेने से मना कर दिया, साथ ही ये भी कहा कि कोई तकलीफ होगी तो मैं ही देखूंगी ना, खुशी खुशी दे दो, जबरदस्ती नहीं लूंगी, आपकी इच्छा है तो दो। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।